हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का वेलकम है एक नए वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आज का वीडियो है कि प्रेगनेंसी में कैसे बैठना चाहिए और कैसे नहीं बैठना चाहिए। इस पर कई बहनों का हमारे सवाल था कि प्रेगनेंसी में किस तरीके से बैठना चाहिए। तो जो मैंने सावधानी बरती वही हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे, और वो गलती आप मत कीजिएगा जो लोग गलती करके बाद में पछतावा जिनको होता है, उस गलती से बचिए। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये वीडियो देती हूँ, क्योंकि वो गलती करने के बाद ना आपके साथ साथ आपके बेबी को भी नुकसान पहुँचाता है। तो ऐसा गलती ना करें, नहीं पता होता है तो गलती हो ही जाती है। तो आपको पहले से पता रहेगा तो गलती क्यों करेंगे। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो मिले और उनको भी फ़ायदा हो सके। क्योंकि हम आप लोगों के साथ ना हमेशा वही साझा करते हैं जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी टाइम पर केयर किया, जो मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया, या फिर मेरे घर में जो मेरे बड़े से बुज़ुर्ग हैं, जो हमारी दादी अम्मा हैं या कोई हैं बताएँ, वही मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। तो कैसे बैठना चाहिए, आपको कोशिश करना चाहिए कि एकदम धम्म से नहीं बैठ गए, कहीं भी ऐसे गिर गए, इस तरीके से नहीं बैठना। आपको आराम से बैठना है और इस तरीके से थोड़ा पीठ को पीछे टेक लेके बैठेंगी, ताकि आपका जो पेट है ना, टम्मी है, वो दबे नहीं। ऐसे झुक के नहीं बैठना है कि आपका टम्मी दबे। दूसरा आपको क्या करना है कि दूसरा आपको पैर क्रॉस करके, इस तरीके से पैर पर पैर रख के जो आप बैठते हैं ना, वो बहुत गलत तरीका होता है प्रेगनेंसी में बैठने का। पैर क्रॉस करके आपको नहीं बैठना है, सीधा पैर करके या फिर मोड़ के भी बैठिए एक दूसरे पैर पे करके। तो इस तरीके से बैठिए कि मतलब पैर ऐसे करेंगी तो आपका पेट भी अंदर को मुड़ेगा, इस तरीके से चिपकेगा, जैसे कि आपके बच्चे पे फर्क पड़ेगा। तो आपको पैर क्रॉस करके नहीं बैठना है। कैसे बैठना है मैंने बता दिया, और कैसे नहीं बैठना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। और ये भी कई लोगों का सवाल रहता है कि बैठने का जो तरीका है वो कब से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो पहले दूसरे तीसरे महीने पे इन पे तो आपको चलने फिरने पे, ज़्यादा भारी सामान उठाने पे ध्यान देना, जो कि मैं शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन आपका जब छठवां महीना पाँचवा महीना स्टार्ट हो जाए तो इस तरीके से आपको नहीं बैठना कि आपका पेट दबे। आपको कोशिश करना है कि आपका जो टम्मी है, पेट है, वो इस तरीके से ऐसे थोड़ा हो, दबे नहीं, इस तरीके से आपको बैठना है। तो इसी तरीके की हम आपको हमेशा जानकारी देते ही रहते हैं। और आप लोगों के क्या कमेंट, आपको किस तरीके की और जानकारी चाहिए ये भी आप बताइएगा, तो हम इस पर भी वीडियो लाएंगे। क्योंकि मेरी बेटी बड़ी अब हो गई है तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को भी जानकारी, क्योंकि मैं भी YouTube पे सर्च किया करती थी ना कि कैसे क्या करना है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलती थी जो कि फालतू की होती थी, जो कि फालतू की लोग बना के डाल देते थे। तो उन पर ध्यान मत दीजिए और अपना ध्यान रखिए, बच्चे का ध्यान रखिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।